स्वागत है आपका आकाश डे टू एम चैनल पे। एक बड़ा अपडेट आया है नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के द्वारा कि आप लोगों का बैंक अकाउंट अपडेट करने के लिए ऑप्शन दिया जा रहा है एनएसपी के द्वारा। जिन बच्चों का आईएफएससी कोड चेंज हो चुका है या बैंक अकाउंट नंबर गलत हो चुका है, गलत दे दिया था, कुछ भी हुआ था, जिनका बैंक अकाउंट वैलिडेट नहीं हुआ था, उनका कुछ ना कुछ मिस्टेक थी बैंक अकाउंट में, तो एनएसपी द्वारा एनएसपी के पोर्टल में अपडेट किया गया है, जिसमें आप अकाउंट नंबर आईएफएससी कोड वगैरह आप चेंज कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो स्वयं के द्वारा। कैसे आप कर पाओगे, क्या क्या मैसेज आ रहा है, इस वीडियो में आपको बताऊंगा। वीडियो को कंप्लीट देखते रहो और वीडियो पसंद हो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड को में शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो एनएसपी द्वारा कुछ प्रकार का मैसेज भेज रहा है, देख सकते हो आप, एनआईसी एसएमएस के द्वारा भेजा रहा है। बैंक अकाउंट फॉर दिए देख सकते हो इज नॉट वैलिडेड एज एनएसपी गाइडलाइंस अपडेट इज इट इज एनएसपी लॉगिन बिफोर, ये देख सकते हो आप, ठीक है। तो 26/5/2023 तक का टाइम दिया गया है, जिनका कल मैसेज आया उनका 26/5 तक टाइम है, जिसका आज मैसेज आएगा उनका टाइम अलग होगा। तो आपको 26/5/2023 से पहले पहले आपको ये जो है अपडेट कर लेना, बैंक अकाउंट है, आईएफएससी कोड, जो भी आपका मिस्टेक है जिसका आपका वैलिडेट नहीं हुआ है, तो तभी जाके आपका पेमेंट जो है वह आ जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बोला था ये अपडेट बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। तो ये अपडेट देखने को कहाँ मिलेगा, क्या चीज है, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। देखो पहले कहाँ मिल जाएगा ये चीज, ठीक है। तो आपको नेशनल स्कॉलरशिप साइट ओपन करनी है और आने के बाद अगर आपका फ्रेश एप्लीकेशन रिन्यूअल एप्लीकेशन है चलो उस पर आपको क्लिक करना है। सपोज मैं यहाँ पे रिन्यूअल एप्लीकेशन पे आपको क्लिक करके दिखा रहा हूँ, जस्ट एग्जांपल के लिए, कहाँ पे ऑप्शन दिखेगा जिससे आप बेहतर पहचान पाओगे, ठीक है। उसके बाद फिर आपको जो भी कैप्चा वगैरह उसको आप कैप्चा को भर देंगे। चलो मैं इस कैप्चा को भर देता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ ऑप्शन आपको कहाँ पे दिखेगा ये चीज, ठीक है। उसके बाद मैंने लॉग इन कर लिया, यहाँ पे लॉग इन करने के बाद फॉर्म मेरा लॉग इन हो चुका है। उसके बाद देखो यहाँ पे जो है चेंज पासवर्ड के नीचे यहाँ पे देखने को मिला, जिससे मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, कई बच्चों को देखने को मिला, ये देख सकते हो, जैसे प्री फिल इन्फॉर्मेशन, चेक योर स्टेटस, प्रिंट योर एप्लीकेशन, चेंज पासवर्ड, उसके बाद अपडेट योर बैंक डिटेल्स, देख रहे हो यहाँ पे अपडेट योर बैंक डिटेल्स के ऑप्शन में जैसे आप क्लिक करोगे, आपको यहाँ पे जो आपका अकाउंट नंबर वगैरह है कंफर्म अकाउंट नंबर करने के बाद अपना बैंक डिटेल अपडेट कर पाओगे। अगर आपका आईएफएससी कोड वगैरह मिस्टेक है तो आईएफएससी कोड वगैरह कर सकते हो, अगर आपका आईएफएससी कोड चेंज हो चुका है, मर्ज हो चुका है, तो आप चेंज कर सकते हो। जैसे कि कुछ बच्चों के इस प्रकार का मैसेज भी आया था, पहले आईएफएससी कोड आइदर नॉट प्रेजेंट और करंटली इनएक्टिव इन ब्रांच, ठीक है। अगर आप चेंज करना चाहते हो चेंज कर सकते हो, जिनका मैसेज आ चुका है, और नहीं भी मैसेज, ऐसा नहीं कि जिनका मैसेज नहीं है उनका ये आ नहीं रहा, आप क्या कर सकते हो कि थोड़े दिन बाद ये अपडेट हो जाएगा, हो सकता है कभी कभार मैसेज नहीं आता, तो आप क्या करेगा, नेशनल स्कॉलरशिप की साइट है उसमें अपना स्टेटस प्रोफाइल को ओपन रखिएगा, ठीक है। कुछ दिन बाद आपको ये ऑप्शन जो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, कुछ बच्चों को कल ऑप्शन देखने को मिल गया था और कुछ बच्चों को आज ऑप्शन देखने को मिल सकता है यहाँ पे, तो आप अपने स्टेटस को चेक करते रहे, जैसे ही ऑप्शन आए आपने अपडेट यहाँ बैंक डिटेल को कर लीजिएगा, जिससे आपका पेमेंट बहुत जल्द आपके अकाउंट में क्रेडिट किया सके और जिससे आपका पीएफ में जो है बैंक अकाउंट को वैलिडेट कर सके, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा क्या आपका ये ऑप्शन आया कि नहीं, क्या आपकी कोई मिस्टेक थी क्या बैंक अकाउंट में, तो प्लीज